हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल PGGS में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। कल का सोलर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त एक बात और है कि बिना भी आपका अभिवादन किए कैसे हम बढ़ाएं। कल आपने जो लाइक सब्सक्राइब किया है वो हमको काफ़ी उत्साहित करता है। हमको बिलीव नहीं था, परंतु आपने हम पर विश्वास किया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। कल आपने देखा था सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है और गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। गैलेक्सी ऑलरेडी यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि आप फिगर पर देख रहे हैं। यही हमारे यूनिवर्स है, यही विश्व है, इस यूनिवर्स को विश्व कहते हैं। इसमें आप देखिए, जितनी भी ये सब सारे जो क्लॉटिंग है, ये गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी किससे बनी है? तारों से। तारों का निर्माण गैसों से हुआ है, और गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल है सारे तारों के लिए। दैट मीन्स अगर ये कहें कि पूरा यूनिवर्स गैसों से निर्मित है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये गैसें जो आप छोटे छोटे रेड कलर में देख रहे हैं, सारे गैसें हैं, और ये सारी गैसें सारे स्टार में सारे गैसें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये गैसें पूरे यूनिवर्स में समान रूप से फैल गई, वितरित हो गई, किसी ने उसको कहीं दबा करके रखा नहीं, तो फिर एक जगह पर केंद्रित कैसे हुई? एक जगह पर केंद्रित हुई तभी तो गैलेक्सी बनी। तो फिर आखिर कैसे एक जगह पर केंद्रित हो गई? बाकी ये सारी गैसें हैं, सारी गैसें ऐसे वितरित हैं, चारों तरफ वितरित हैं, इसी रूप में सब जगह विकृत हुई होगी, पूरा यूनिवर्स में फैली होगी, लेकिन ये सारी जगह तो क्लॉटिंग नहीं हुई। जहां जहां पर फैली उसका कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। तो दोस्त, ज्योग्राफी में साइंस को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग केवल समझना है। और ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट साइंस को यूज करने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और साइंस ऐसा नहीं है कि साइंस आपके लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत डरावना चीज़ है कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो साइंस नहीं पढ़ेंगे, साइंस कैसे समझ में आएगा? नो, यू कैन डू इट। आप ऐसा कर सकते हैं, साइंस के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्सेज वहीं पर लगती है जब किसी पिंड का, जब किसी वस्तु का मास, द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, तो छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर खींचने लगती है। तो आप बताइए कि सबका तो मास एक ही था, जितने भी इसमें गैसेज हैं, हाइड्रोजन की गैस है, हाइड्रोजन गैस, सब तो सबका तो मास एक ही है, एटॉमिक नंबर एक, मास एक। तो फिर कैसे एक दूसरे को खींचेंगी, कैसे आकर्षित करके गैलेक्सी बनाएंगी? तो दोस्त, आपको न्यूटन्स का नियम है, न्यूटन्स ने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हर एक दूसरे पिंड के साथ के बीच लगते हैं, हर पिंड एक दूसरे को खींचता है। जब गैसे वायुमंडल में चारों तरफ बिखर के घूम रही थी, उस समय दो गैसें टकराई आपस में, दो गैसें टकराई। जैसे सपोज कीजिए कि यही है हाइड्रोजन, यही है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे को टकरा गए। टकराने को हम कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है
कि दो एटम्स के नाभिक न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। ये नहीं है कि यहां पर देखिए जनरल रिएक्शन में या फ्यूजन रिएक्शन में अंतर है। जनरल रिएक्शन में क्या होगा, जनरल रिएक्शन में होगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू एस टू। ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू एस टू हो गया, लेकिन यहां पर यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जब फ्यूज करेंगे एस टू न बना करके बनाएंगे हीलियम, हीलियम बनाएंगे। यही हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज करेगा और बना देगा हीलियम। तो फ्यूज करेगा तो कैसे करेगा, एक आइटम है और ये दूसरा आइटम इसी पर आकर के मिल गया और यहां पर इसका न्यूक्लियस है, दोनों का कंबाइन न्यूक्लियस हो गया, अभी हो गया हीलियम। जब हीलियम इससे चार गुना भारी है, हीलियम इससे फोर टाइम्स ज्यादा भारी है, फोर टाइम्स चार गुना बड़ा है, तब ये हीलियम दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगा और आकर्षित करने के चलते वहां पर पिंडों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे अगर ये फिगर देखें, यही है हमारी, ये हमारी है गैलेक्सी मिल्की वे। मिल्की वे में भी इसी तरह से सब आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बने और हीलियम बनकर इस तरह से स्टार का रूप धारण किए। अब ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, जब ये यहाँ स्टार बनेंगे तो सारे एटम्स को, ये सारे एटम्स उधर जाने लगे। ये देखिए ये सारे एटम्स इधर की ओर मूव करने लगे, शुरू कर देंगे सब, ये सब ऐसे ऐसे आने लगेंगे और ये घूमना शुरू कर देगा, ये घूमना शुरू कर देगा और यही है गैलेक्सी। तो इनका विकास कैसे हुआ, दो हाइड्रोजन एटम के मिलने के बाद, दो हाइड्रोजन एटम मिले, हीलियम बना, हीलियम भारी हुआ तो दूसरे गैसों को खींचा और स्टार बना, फिर आपस में सारे स्टार केंद्रित हो गए। सब स्टार केवल हीलियम से बने हुए, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। इनमें 71% अगर ये देखें तो पूरा यूनिवर्स में 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है, यही रेशियो है। अब देखें सारे यहां पर जगह जगह पर ग्रुप बना, जगह जगह पर समूह बना और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर समूह बना वही हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होकर के, यहां भी समूह बना और ये सब गैलेक्सी बने। तो दोस्त मेरा, हम लोग के जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूर्य स्थित है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे के 2/3 से अधिक दूरी पर हमारा सन अवस्थित है, सूर्य अवस्थित है। ये मिल्की वे की पूरा डायमीटर, मिल्की वे का पूरा डायमीटर व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। अगर मिल्की वे का पूरा डायमीटर देखा जाए तो 1,00,000 है, 1,00,000 लाइट ईयर, 1,00,000 लाइट ईयर है। तो हमारा मिल्की वे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उससे सबसे निकट, उससे सबसे निकट का दूसरी गैलेक्सी कौन है। तो इससे सबसे निकट का दूसरी गैलेक्सी देखते हैं एंड्रोमेडा या देवयानी, ये भी एक गैलेक्सी है, दिस इज अ गैलेक्सी, ये भी एक गैलेक्सी ही है, ये भी एक गैलेक्सी है। अब इसकी दूरी अपनी गैलेक्सी से, मिल्की वे से
कितनी दूरी है? 20 लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको बताया जाएगा, बताएंगे कि आप प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, कैसे प्रकाश वर्ष निकाले जाएंगे, सब आपको डिस्कस करेंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बस एक बुक कोई रखिए, जैसा कि मैंने आपको स्लोगन में दिखाया है, केवल एक बुक, एक एटलस और एक मैगजीन से आप पूरा जीएस बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं दूसरे को। रटने वालों को तो, रटने वाले तो आपके सामने कहीं नहीं रुकेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष कैसे निकालेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखें कि गैलेक्सी के बारे में, दूसरी गैलेक्सी के बारे में, ये सबसे हमारे निकटवर्ती गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, देवयानी है, जो कि 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। नया नया अभी न्यूली रिसर्च है, ये ड्वार्फ न्यूली रिसर्च है, न्यूली रिसर्च में ड्वार्फ मिला है, जो कि न्यूली रिसर्च में ड्वार्फ मिला है जो कि देवयानी के या एंड्रोमेडा के बाद है, थोड़ी उससे दूर है। तो गैलेक्सी के बारे में यही चैप्टर है। अब अपनी गैलेक्सी के बारे में देखें कि अपनी गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में सूर्य कहाँ है? दो तिहाई सेंटर से, दो तिहाई भाग से दूर मेरा सूर्य अवस्थित है, एक कोने में सिमटा हुआ है, कोने में छुपा हुआ है। कोने में क्यों कर रहे हैं दोस्त? इसलिए कर रहे हैं कि इतनी संख्या है, इतनी संख्या है कि पूरा यूनिवर्स में 10^11 गैलेक्सी हैं। केवल गैलेक्सियों को अगर काउंटिंग किया जाए 24 आवर बैठ करके, आप कभी रेस्ट ना करें, खाए पिए नहीं, बैठ कर केवल गैलेक्सी को गिन रहे हैं, एक गैलेक्सी, दो, तीन, चार, ऐसे गैलेक्सी को गिन रहे हैं। तो आपकी 70 साल की, 80 साल की एज है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन आप गैलेक्सी को नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि एक सेकेंड में एक काउंटिंग करते हैं तो आपका एज तक 10^9 तक सेकेंड होंगे, और एक गैलेक्सी है 10^11, आप कैसे काउंट कर पाएंगे? और हर गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो 10^11। तो टोटल तारे कितने हुए? टोटल स्टार्स कितने हुए? 10^22। टोटल स्टार्स यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ऐसे लिखें, टोटल स्टार्स 10^22। क्यों हो गए? क्योंकि 10, इसको ऐसे निकालें, 10^11 इंटू 10^11 इक्वल टू 10^22। सिंपल तो है, दोनों पावर को जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई में। तो अगर इसी को, गैलेक्सी को ही काउंट नहीं कर सकते तो तारे कैसे काउंट करेंगे? इसीलिए आप आसमान में देखते हैं टिमटिमाते तारे को, आप चाहते हैं गिनना, नहीं गिना पाता है। और क्यों टिमटिमाता है वो बात की चीजें हैं, वो आपको साइंस से पढ़ाई जाएगी, क्यों तारे टिमटिमाते हैं। एनीवे, हम आप अगर आते हैं अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में सन अवस्थित है 2/3 डिस्टेंस से दूर, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने सन से नियरेस्ट स्टार कौन है, अपने सूर्य से नजदीक का तारा कौन है? अपने सूर्य से नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी। वो कितना दूर है? तो 4.3 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष।
ये हमारा 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। लाइट ईयर के बारे में चर्चा करते हैं अभी, तो अल्फा सेंचुरी दैट मींस अगर ये कहे ये यहां से इस स्टार की दूरी कितनी है तो 4.3 लाइट ईयर। तो दोस्त अब हम लोग लाइट ईयर के बारे में चर्चा करें कि लाइट ईयर है क्या और लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, कितनी दूरी होती है, क्योंकि खगोलीय पिंडों को नापने के लिए लाइट ईयर ही यूज किया जाता है, इतनी दूर होती है। तो लाइट ईयर कहते हैं एक साल में तय की गई प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। मतलब प्रकाश अगर एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसी को लाइट ईयर कहते हैं। अब कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर है और हमारी स्थिति, हम लोग की स्थिति जो है यहाँ पर, हम लोग ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, यही है ग्रह, यहीं पर हमारी है अर्थ। ऐसे ऐसे ग्रह सारे स्टार के पास हैं दोस्त। ये सोच लीजिए आपकी हमारी अर्थ क्या वैल्यू है, आप अंदाजा लगाइए। जितने भी स्टार आपको दिख रहे हैं सब स्टार, यहां भी ये तारा है, इसके भी अपने अपने ग्रह हैं। ये स्टार है, इसके भी अपने अपने ग्रह हैं। यहां पे है, इसके भी अपने अपने ग्रह हैं। तो आप इसी तारों में से एक तारे का आप एक ग्रह हैं। हम लोग यहां से देखते, अगर हम लोग के पास इस तारे का प्रकाश पहुंचता है, इस तारे का लाइट पहुंच रहा है अगर हमारे पास, तो आप ना अनुमान लगाइए आज इस तारे से जो लाइट रिसीव किया हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस तारे से जो आज लाइट रिसीव किया वो कितना साल पहले चला होगा फ्रेंड? 4.5 साल पहले, लगभग 4.3 साल पहले, 4 साल और 3 महीना पहले चला होगा इस स्टार से, अल्फा सेंचुरी से, तब हम आज पहुंचा है। सोचिए 4 साल तक ट्रेवल किया हो, कितना दूर होगा। और ये तो सबसे नियरेस्ट का ये हाल है, ये सारे दूर इतने दूर हैं कि इनकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये कितने साल पहले, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 1000 साल पहले चला होगा, कोई 2000 साल पहले चला होगा, और वो तारे हमारे पास पहुंच रहे हैं लगातार। इसलिए हमने कहा कि ये जो हमारी जो सन है वो एक कोने में, गैलेक्सी के कोने में सिमटा हुआ है, गैलेक्सी के कोने में सिमटा हुआ है। तो अब आते हैं लाइट ईयर की चर्चा करते हैं कि लाइट ईयर कैसे निकालते हैं। देखिए लाइट ईयर किसे कहते हैं, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दैट मीन्स एक प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसी कहते हैं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। कितनी दूरी तय करती है? 9.46 × 10^12 km 9.46 × 10^12 km। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं किलोमीटर में बदल, मीटर में बदल देगा, मील में भी बदल दिया जाता है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि लाइट ईयर कैसे निकाला जाता है, प्रकाश वर्ष कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, एक ही दिन में सारा चीज हो जाएगा तो हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए,
क्योंकि केवल डाटा ही डाटा मिला आपको 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर, तो 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहा है परसेंट चूरी। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स से। लेकिन एक दोस्त जाने से पहले आपको एक और बात एक बता दें कि आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा, आप कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जिनका सबसे बढ़िया कमेंट होगा और कमेंट लिखने के साथ साथ पिक मी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको कल वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही करते ही आपको पिकअप करें। वो हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे इंसान, अच्छे मेरे फॉलोअर, अच्छे मेरे मित्र कहिए जो कहिए, वो सबसे अच्छे होंगे जिनको मैं कल सुबह स्टार्ट करते ही पिकअप करूंगा। थैंक यू वेरी मच।